जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ बहावलनगर खुर्रम शहजाद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों पर मुसल्लत किए गए जाबराना और जालमाना टैक्स गरीब आवाम पर खुल्लम खुल्ला जुल्म है। इन ख्यालात का इजहार रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ज़िलाई नायब सदर बहावलनगर खुर्रम शहजाद मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना जैसे अजाब के बाद मुल्क पहले ही बहरान का शिकार है। मौजूदा बढ़ती हुई महंगाई की शरह ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अब टैक्स की सूरत में जो अजाब मुसल्लत किया गया है, मेरे समेत तमाम सफेद पोश लोग बेबस और कर्ज मांगने पर मजबूर हो गए हैं। गरीब आदमी का इस महंगाई के दौर में अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल बन चुका है। पेट्रोल 235 रुपए फी लीटर और डालडा घी 600 रुपए फी किलो कर दिया गया है। गरीब आदमी अपना घर चलाए या बिजली का बिल अदा करे। मेरे वालिद मोहतरम तकरीबन 3.5 साल कबल वफात पा चुके थे। उन्होंने अपने घर के साथ देसी अदवायात यानी हिकमत की दुकान बना रखी थी। इनके वफात के बाद हमने आज तक वो दुकान नहीं खोली। आज इस बंद दुकान पर 6,000 रुपये टैक्स लगाकर बिल भेज दिया गया है, जो खुल्लम खुल्ला जुल्म है। अगर यही सूरत आ रही तो गरीब आवाम खुदकशी करने पर मजबूर होगी। हम कानून और अदारों का एहतराम करने वाले हैं। हम हरगज इश्ताल अंगेजी या बदमनी का पैगाम नहीं देते। आज सहाफ़ी बरदरी भी दीगर आवाम के साथ बुरी तरह पिस रही है। हमारी आला हकाम से इस्तदा है कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए और फिलफौर इस बिगड़ी हुई सूरत हाल पर आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा है। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बंदा नाचीज रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। हमने हमेशा हक सच की सहाफत को फरोग दिया है और हमेशा अवामी मसाइल को, इलाकई मसाइल को उजागर करके अपना बखूबी करदार अदा किया है। मौजूदा हुकूमत ने जो जालमाना जाबराना टैक्स गरीब आवाम पर मुसल्लत कर दिया है, जिसने गरीब आवाम की कमर को तोड़ कर रख दिया है और सफ़ेद पोश तबका से वाबस्ता अफराद, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, वो मांगने पर मजबूर हो गए। अब देखें हारूनाबाद में कि हम बासी हैं, हारूनाबाद बनाने में हमारे दादा परदादा वालद उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। हम कोई बाहर से नहीं आए, हारूनाबाद के बासी हैं, हारूनाबाद के रहशी हैं। ये हमारे ऊपर जो जुल्म किया गया है, ये इसे मैं बयान नहीं कर सकता कि किस तरह गरीब आवाम पिस कर रह गई। आप देखें, कल मैं बाबडा दफ्तर गया एसडीओ अख्तर साहब के पास, तो वहाँ एक आवाम का बड़ा जम्मे गफीर था। मैंने वो खवातीन देखी जो मैंने कभी पर्दे में मेरे बाहर नहीं देखी होंगी। वो मैंने बुज़ुर्ग देखे जो बेचारे ठेला लगाकर किसी दुकान के आगे बेचारे फ्रूट बेच रहे हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पंखा भी इस्तेमाल नहीं करते, एक छोटा सा उन्होंने